बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस लेक्चर में हम रैशनलाइजेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना ज़रूरी है रैशनलाइजेशन से पहले, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है मोनोमियल सेट। सेट एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल रेडिकल टू, रेडिकल थ्री, रेडिकल ए, रेडिकल एक्स एंड सो ऑन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट हो उसको हम कहेंगे मोनोमियल सेट। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बाइनोमियल सेट। इसका मतलब क्या है कि अगर दो मोनोमियल, फॉर एग्जांपल एक मोनोमियल है रेडिकल टू प्लस दूसरा एक है रेडिकल सपोज फाइव, अगर दो रेडिकल जो है सॉरी दो मोनोमियल आपस में एड हो रहे हो, या एक मोनोमियल हो और दूसरा कोई रैशनल नंबर हो, ठीक है, लाइक रेडिकल 3+3 या 4+5, जिसमें एक रैशनल नंबर हो प्लस एक मोनोमियल हो, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सेट। क्या क्या चीज है ये? या तो दो मोनोमियल आपस में ऐड हो रहे हो या एक मोनोमियल प्लस एक जो है कोई रैशनल नंबर जो है ऐड हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल सेट। नेक्स्ट चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर दो सेट्स हो, फॉर एग्जांपल दो सेट्स हो रेडिकल टू और दूसरा हमारे पास है रेडिकल रेडिकल एट, अगर दो सेट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और आंसर जो है कोई रैशनल नंबर हो, तो उसको हम कहेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब ये जो सेट्स होंगे ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि दो सेट्स हैं, एक है रेडिकल टू दूसरा है रेडिकल एट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनका रेडिकल एक करते हैं। सो टू मल्टीप्लाई बाय एट, टू मल्टीप्लाई बाय एट इज 16, और रेडिकल 16 जो है वो इक्वल है 4, क्योंकि 16 जो है वो 4 के स्क्वायर के इक्वल है और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा। चूंकि ये दो सेट जो है आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो इनका जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो एक रैशनल नंबर बना, एक सिंपल आंसर आया इसका, इसलिए जो है रेडिकल 8 और रेडिकल 2 जो है ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। इनको एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। अब हम आते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ अ सेट, जिसका बेसिकली डिफिनेशन हमने ऊपर देखना था, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए। सो रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन है क्या कि अगर कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी और सेट से, सिर्फ इसलिए जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि आंसर जो है वो क्या हो, एक रैशनल नंबर आ जाए, आंसर एक रैशनल नंबर आ जाए, तो इस अमल को जो है कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सेट। रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सेट मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हमने पहले मिसाल देखा था कि रेडिकल टू है फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसको किसी और सेट से जो है इस तरह मल्टीप्लाई कर लूँ, किसी ऐसे सेट से मल्टीप्लाई कर लूँ कि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास जो है एक रैशनल नंबर आ जाए, एक रैशनल नंबर आ जाए, तो इस प्रोसेस को मैं कहूँगा रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सेट, या रैशनलाइजेशन ऑफ टू, रेडिकल टू। सो रेडिकल टू को जब रेडिकल एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा था कि आंसर क्या आ रहा था, एक रैशनल नंबर 4 आ रहा था, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम कहेंगे कि हमने जो है रेडिकल टू को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेट सेट। कॉन्जुगेट सेट बेसिकली है क्या? कॉन्जुगेट सेट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बाइनोमियल हो, लेट्स सपोज एक बाइनोमियल है रेडिकल 2+3, अब अगर आप क्या करते हो कि ये एक बाइनोमियल है, इसका सिर्फ और सिर्फ साइन अगर आप चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल रेडिकल 2-3, तो
ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। अगर दो बाइनोमियल्स हो उनके सिर्फ और सिर्फ दरमियान के साइन जो है चेंज हो तो इनको हम कहेंगे कि दे आर कॉन्जुगेट सेट ऑफ ईच अदर, दे आर कॉन्जुगेट सेट ऑफ ईच अदर। मतलब ये दोनों जब आपस में अगर मल्टीप्लाई हो जाए, ये हम आगे देखेंगे, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इनका आंसर जो है हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, सो रेशनलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि लेट सपोज एक हमारे पास जो है एक टर्म है टू अपॉन रेडिकल थ्री प्लस रेडिकल फाइव। अब हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है इसको सिंप्लीफाई करना हो तो मैं क्या करूंगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करूंगा। इन अदर वर्ड्स में इस डिनोमिनेटर को जो है रेशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूंगा। मैं यहाँ पे कहूंगा डिनोमिनेटर, बल्कि इसको हम लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि आप मल्टीप्लाई करोगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी रेडिकल थ्री अपॉन रेडिकल फाइव के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। सो इसका कॉन्जुगेट है रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव। इस तरह यहाँ पे भी होगा रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव। देखो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हो वन अपॉन टू एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को आप सेम नंबर से, यानी आप उसको जो है लेट सपोज सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो तो उस फ्रैक्शन पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके दोबारा वही चीज बनेगा। सो बेसिकली इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया कि इसके कॉन्जुगेट सेट से जो है इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो क्या होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो टू मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होगा नीचे हमारे पास होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तुम्हारे पास होगा रेडिकल थ्री प्लस रेडिकल फाइव, रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव। सो हम मजीद इसको करेंगे क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वेयर यानी रेडिकल थ्री का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो कि है रेडिकल फाइव का स्क्वेयर। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा टू रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव डिवाइडेड बाय स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास आएगा थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू, तो टू रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव, थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू। नाउ टू टू से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, बेसिकली माइनस वन होगा वो माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रहेगा माइनस रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल फाइव। माइनस को जब हम अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट पे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा क्या चीज, माइनस रेडिकल थ्री, फिर उसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस रेडिकल थ्री, उसके बाद माइनस माइनस प्लस रेडिकल फाइव। पॉजिटिव को पहले लिखेंगे नेगेटिव को बाद में लिखेंगे, सो हमारे पास आएगा रेडिकल फाइव माइनस रेडिकल थ्री, ये हमारे पास हुआ आंसर। ठीक है, सो बेसिकली वन अपॉन सॉरी टू अपॉन रेडिकल थ्री प्लस रेडिकल फाइव को जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, रेडिकल फाइव माइनस रेडिकल थ्री। सो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहते हैं कि रेशनलाइजिंग आर डिनोमिनेटर। सो हमने बेसिकली क्या कर दिया कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको खत्म कर दिया, डिनोमिनेटर हमारे पास अभी क्या आ रहा है,
वन, इसको हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। अगेन बता रहा हूँ, रेशनलाइज का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बाइनोमियल हो, आप क्या करते हो उसके साथ एक दूसरे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो और आंसर जो है उसका एक रैशनल नंबर बन जाए, ठीक है, एक नॉन सेट बन जाए, ठीक है, सेट ना हो, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, रेशनलाइजेशन। और जब आप किसी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हो, सो इसको हम कहेंगे रेशनलाइजिंग आ डिनोमिनेटर।